नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में। देखिए, हमें कुछ क्वेश्चंस मिले हैं जिसे हमें वीर यादव ने भेजा है। उन्होंने यहाँ पे ये भी लिखा है कि ये 14 अक्टूबर के मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं, तो जल्दी से हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे। और अगर आपका भी एग्ज़ाम आज था और आपके पास और भी क्वेश्चन है तो आप जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उन सॉल्यूशन को तुरंत आपके पास अपलोड करेंगे ताकि और भी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें एक डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है 35% तथा 15% के छूट पे बेचने पर 221 रुपये में कोई वस्तु को बेचा तो क्रय मूल्य क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं? इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, 35% और 15% का छूट बोल रखा है और 221 रुपये में बेच रहा है। आपको सबसे पहला हमारा इसमें होना चाहिए क्या कि इन दोनों का आप एक सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लो। एकल डिस्काउंट जिसे बोलते हैं उसका हमारा क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट डिस्काउंट यानी 35 प्लस सेकेंड डिस्काउंट माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 5 5 10 3 1 4 1 5 50 हो गया माइनस 35 × 15 कितना होता है, तो 5.25 आपका होता है। तो ये हमारा आ गया 5.25। अब हमने इन दोनों को माइनस कर दिया तो यहाँ पे माइनस किया तो ये आ गया 44.7%। अब हमारे एकल डिस्काउंट आ गया 44.7%। हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम मान लेते कि हमारा क्रय मूल्य है 100 यूनिट। अगर उसे 44.75 के डिस्काउंट में बेचेंगे यानी कि कितना में बेचेंगे, तो 100 माइनस 44.75 यानी कि हमने उसे बेचा कितने में, तो 55.25 में। बट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा करने में हम इसे 221 रुपये में बेच रहे हैं, यानी कि 221 रुपये, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 55.25 रुपये यूनिट जो है, 55.25 यूनिट जो है हमारे कितने के बराबर हो जाएगा, तो 221 रुपये के। अब हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य, जिसे कि हमने 100 माना था, तो 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, तो 100 यूनिट इक्वल टू हो गया RS 221 × 100 डिवाइडेड बाई आपका हो गया 55.25। अब आप इसे टोटली सॉल्व करोगे जो आपका आंसर होगा वही आ जाएगा, तो हमने इसे टोटली सॉल्व किया तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 100 यहाँ से हमारा ऊपर चला गया। अब हमने इसे टोटली सॉल्व किया, तो सबसे पहले हमारा सॉल्व करने का क्या तरीका होना चाहिए कि जब भी आपके लास्ट में 25 दिखे तो आप सबसे पहले 25 से कट करने का कोशिश करो। तो 25 से किया तो ये 4 टाइम्स में हो गया, इसे 25 से किया तो 25 × 250। अब हमारे पास बच गया 5 × 2 यहाँ पे 25 × आपका कितना होता है, तो 50। तो हमारे पास रिमाइंडर कितने बच जाएंगे, तो रिमाइंडर बच गए 5 बच गए। ऐसे हमने इसे किया कितने टाइम्स में, तो 2 टाइम्स में रिमाइंडर बच गए 5 एंड 52 हमारे पास हो गया। तो 52 कितने टाइम्स में कटते हैं, तो ये आपके कटिंग भी 2 टाइम्स में। अब हमारे पास बच गया रिमाइंडर 2, तो 2 एंड 5 कितना हो गया, 1 टाइम्स में। अब ये हमारा 1 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया, 400 रुपये आ गया हमारा क्रय मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में क्रय मूल्य की जगह पे आपका अंकित मूल्य दिया होगा, तो उसमें भी आपका यही तरीका है बनाने का, आंसर आपका सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कोई पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकती है तो दूसरे पाइप 6 घंटे में खाली कर सकती है, तो 6 घंटे के बाद टंकी में कितना पानी भरेगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, आपको दो आपके पाइप की बात कर रहा है, पाइप ए बोल रखा है 5 घंटे में भरता है, पाइप दो भरता है खाली करता है आपके 6 घंटे में। तो आपको हमने क्या बताया कि पाइप एंड टंकी हो या टाइम एंड वर्क, इसके क्वेश्चंस को आपके सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका क्या होना चाहिए कि आप एलसीएम ले लो। तो 5 एंड 6 का एलसीएम कितना हो गया, 30। उसके बाद एलिगेट करो, एलिगेट में आपको सबट्रैक्ट नहीं डिवाइड करने, 30 / 5 हो गया 6, 30 / 6 हो गया 5, यानी कि एक टंकी जो है, एक जो हमारा पाइप है वो 1 घंटे में 6 यूनिट भरती है, जबकि दूसरी पाइप 1 घंटे में 5 यूनिट खाली करेगी, ये आपका आ जाता है। तो हम इसे टोटली अगर अच्छे तरीके से समझे तो ये 30 को हम मानते क्या है, 30 हमने एलसीएम करके निकालते क्यों है, 30 को हम मान लेते कि हमें टोटल वर्क करने थे 30 यूनिट, एंड 6 एंड 5 को हमने माना इफिशेंसी कि पहला पाइप जो है 1 घंटे में 6 यूनिट भरा, दूसरा 5 यूनिट खाली कर दिया। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो कि 1 घंटे में कितना भरेगा, तो अगर 6 यूनिट भरेगा और 5 यूनिट खाली करेगा, यानी कि 1 घंटे की अगर बात करें तो दोनों मिलके हमारा 1 यूनिट, 6 - 5 यानी कि 1 यूनिट भरेगा। तो अगर 1 घंटे में 1 यूनिट भरेगा और आपसे पूछ रहा है 6 घंटे के बाद टंकी में कितना भारी पानी भरेगा, तो 1 घंटे में 1 यूनिट, तो 6 घंटे में कितना हो जाएगा, तो 6 यूनिट। तो 6 यूनिट तो भर गया, आपके पास टोटल थे 30 यूनिट, यानी कितना पानी भरा, तो 6/30 यानी कि 1/5 यूनिट पानी भर दिया गया।
अगर आपसे पूछते कितना खाली हुआ तो 1-6/30 करना पड़ेगा, या फिर 1-1/5, या फिर यहाँ पे से आप रिमाइंडर वर्क निकालो 24 हो गया तो 24/30 करके भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। ये थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका एक स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन था, आपसे पूछा था क्या तो 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, इसी तरीके से आपका जाते गया था कितना तक तो 16 का होल स्क्वायर तक। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता होगा कि एक से लगातार अगर n नंबर्स होते हैं तो उसका सम का हमें फॉर्मूला होता है क्या, तो n(n+1)(2n+1)/6। बट आपका 1 से लेके लगातार तो है नहीं, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसके पहले 1 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड किया तो ये तो हमें माइनस भी करने पड़ेंगे, बट हम ये क्यों करते हैं, ताकि हमारा फॉर्मूला पे सूटेबल हो जाए। तो फॉर्मूला पे हमारा सूटेबल हो गया, सबसे पहले आप यहाँ से लेके यहाँ तक को होल स्क्वायर निकाल लो, 1 से लेके 16 तक का सम निकाल लो, फिर 1 एंड 2 का उसमें से निकाल के माइनस कर दो। ये हो गया इसे सॉल्व करने का तरीका, तो हम यहाँ पे उसी चीज़ को करेंगे। तो हमने निकाला कितना, 1 से लेके 16 तक पहले निकाल लेते हैं होल स्क्वायर लगातार, तो ये आपका हो गया 16 × 16 + 1 × आपका कितना हो गया तो 2 × 16 = 32 + 1/6 माइनस आपका क्या हो जाएगा n(n+1)(2n+1)/6 से कितनी संख्या के लिए, तो 2 के लिए। तो आप यहाँ या तो इसे इस फॉर्मूले पे करो, या फिर तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, 2 × 4 = 5, आप यहाँ पे डायरेक्टली 5 लिख दो। अब हमारे पास क्या हो गया तो 16 × 17 × 33/6 - 5, ये हमारा 11 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया 2 टाइम्स में, ये आपका हो गया 8 टाइम्स में। तो 17 × 8 × 11 कितना हो जाएगा तो 1496, और माइनस 5 किया तो ये आपका आ गया 1491। ये हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके। अक्सर लोग स्टूडेंट्स एग्जाम में क्या करेंगे, ये सोचेंगे कि अरे इसका तो हमारा क्या करना है, 9, 16 सारे को हम पुट करते जाएंगे, तो उस तरीके से भी आपका सेम आंसर आएगा, बट उस तरीके के क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है। तो आपको इसके लिए हमने आपको क्या बताया कि आपको करना क्या है, n(n+1)(2n+1)/6। एक दिन आपको क्या पूछ दिया था कि इसी तरीके के क्वेश्चन था, 2 का स्क्वायर - 1 + 4 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर, उसी तरीके से आपको करते गया था, फिर 6 का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर। तो आपको इसमें लिमिटेड दिया हुआ था, तो आपको इसमें करना क्या है, स्क्वायर व स्क्वायर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे में देखो डिफरेंस तो आपका 1 ही आएगा, तो आपको सीधे क्या करना है, a²-b² = a+b (a-b), तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, 2+1 × 2-1, तो 2+1 = 3, 2-1 = 1, सारे जगह आपका डिफरेंस सेम होगा, तो बस सारे को आप ऐड करके आसानी से निकाल सकते थे, इसका आंसर आपका इजी वे में आ जाता। बट अगर आपके माइनस में नहीं दिए गए तो इसका फॉर्मूला हमारा यही हो गया, n(n+1)/2n+1/6। इसे अगर हमारे बिकॉज ये फॉर्मूला आपका है क्या, तो एक से लगातार है, एक से लगातार n नंबर्स तक का सम निकालने के लिए, बट अगर आपके n नंबर्स एक से ना हो तब हम क्या करेंगे, तो उसके पहले एक से लेके जितना बचा रह गया उसका निकाल लेंगे, पहले एक से लेके सारे का निकाल के फिर जितना बचा रह गया उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक था आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था, 9:729 = 11:00। तो यहाँ पे ये आपका एनालॉजी एंड सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, आपको एक साइन दिखता है प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल के पहले 2 नंबर्स होते हैं, हमें इन दोनों में रिलेशनशिप ढूंढने होते हैं, ये रिलेशनशिप आपको किसी भी तरीके के हो सकते हैं, इन दोनों में रिलेशनशिप ढूंढ के यही रिलेशनशिप आपको लगा देने होते हैं। फिर हमने आपको क्या बोला कि ये रिलेशनशिप किसी भी तरीके के हो सकता है, सबसे पहले डिफरेंस आपके हो सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन हो सकते हैं, स्क्वायर हो सकते हैं, एडिशन हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, क्यूब हो सकते हैं, ये आपको एट अ टाइम माइंड लगाने होते हैं। अगर आपने एट अ टाइम माइंड लगा लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बिकॉज रीजनिंग का मतलब ही होता है हमारा तर्क शक्ति, आप कितना माइंड किसी भी क्वेश्चंस में आप लगा सकते हो, कितना माइंड आप डेवलप कर सकते हो अपना, आपने जितनी जल्दी अपना माइंड डेवलप किया उतना अच्छा हो जाएगा। तो आप हमारे एनालॉजी एंड सिमिलरिटी के प्रीवियस वीडियोस देखो, सीरीज के प्रीवियस वीडियोस देखो, मिसिंग नंबर के, रीजनिंग के जितने भी हमने प्रीवियस वीडियोस बनाए वो सारे देखो, इसमें आपको ये पता चलेगा कि किस किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस बनाते हैं। ये तो आपका सिंपल था, ये आपका इजी वे में बन जाएगा, शायद आपको भी दिमाग लग गया होगा कि 729 क्या है, तो 9 का क्यूब है, तो यहाँ पे हम 9 का क्यूब कर दिए तो 9 का क्यूब हो गया 729। तो नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा तो 11 का क्यूब जो कि कितना होता है तो 1331, ये आपका 11 का क्यूब अगर कितना होता है तो 1331,
ये तो आपका आसानी से सॉल्व हो गया। कभी कभी आपको क्या दे देगा कि इन नंबर का मल्टीप्लिकेशन टाइप से हो जाएगा, 7 × 2 = 14 हो जाएगा, इस तरीके से 72 × 14 इस तरीके से दिया रहेगा। तो ये सारे में आपको नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं, कभी नंबर्स के ही डिजिट में ऐड कर देते हैं। तो ये सारे चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझने के लिए आप हमारे रीजनिंग के प्रीवियस वीडियोज़ देखो, जिससे आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन आपके डेवलप किसी तरीके से करते हैं। आपने अगर हमारे सारे वीडियोज़ देख लिए तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपने उस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो नहीं भी करवाया, फिर भी अगर हमारे सारे वीडियोस देख लो, तो आप एग्जाम में एट अ टाइम माइंड लगा सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा ये आप हमें लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करके जरूर बताएं। इसके सिवाय मैं आपको फिर से कर रही हूँ, अगर आपके पास क्वेश्चंस है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करो, ताकि और भी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।